अदालत फैसला करेगी कि और ये क्वेश्चन किया राइदर ये गाइडलाइंस दी कि अली वजीर केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया उसकी रोशनी में इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसमें तीन तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज अदालत जो हमें भी हदायत दी कि आज ही हम अदालत में सनम जवेद खान की तरफ से पूरे 14 महीने में जो 12 मुकदमात हैं उनमें जितनी प्रोसीडिंग है चाहे वो इसको तमाम केसेस में डिस्चार्ज किया गया या जिन केसेस में इसकी पोस्टलेस बेल ग्रांट की गई है उसका आज रिकॉर्ड हमारा ऑफिस सनम जवेद खान की तरफ से बजरिया सीट सिविल मिसलिनियस एक एप्लीकेशन सीएम फाइल करके रिकॉर्ड में प्लेस करेगा। अदालत ने आज ही रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इसको रिकॉर्ड में ले और उसके बाद स्ट्रेट अवे जुमेरात वाले दिन के लिए ये हियरिंग मजीद रखी है जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि तीन तरह का मुमकिन तौर पर फैसला उस वक्त हलायत और हकायक और हालात के मुताबिक रखा जाएगा। एक क्या सनम जवेद खान की कस्टडी जो है वो नीचे मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में हैंड ओवर की जाए जिसके बाद इसकी वहां पे जो है वो जो भी कार्रवाई पेंडिंग है वो आगे बढ़ सके। डी के सनम जवेद खान को आज इस वक्त इन हालात के जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है उसमें प्रोटेक्टिव बेल अदालत ग्रांट करे और एट द सेम टाइम अदालत देखेगी कि क्या स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद पुलिस के ही रहमो करम पे छोड़ा जाए या आगे प्रोसीड करना है। तो ये वो कार्रवाई है और एट द सेम टाइम ये आपके नोटिस पे लाकर चले और आपसे गुजारिश भी है क्योंकि हम अदालत के मनो मन 100% पाबंद है और हम अपने आप को रखना भी ऐसे ही चाहते हैं कि सनम जवेद खान को और उसके वालदैन को अदालत ने मुझे वाजे तौर पर कहा कि आप इनको क्वेश्चन कर दें बता दें कि ये जब तक ये अदालती कार्रवाई दोबारा नहीं शुरू होगी जुमेरात वाले दिन कोई मीडिया पे या किसी भी जगह पे सनम जवेद खान या इनके वालदेन जो है वो किसी सूरत भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि सनम जवेद खान से या उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जुमेरात तक प्लीज जो है वो कोई सवाल जवाब ना किया जाए जिससे हमारे लिए या सनम के लिए या सबके लिए कोई मसाइल पैदा हो। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो जी इस वक्त हमारा फैसला ये है कार्रवाई अगर मुकम्मल इसी तरह होती है जैसे आज हुई है और सनम को प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करते हैं तो अदालत के ऑर्डर देखने के बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं कार्रवाई भी जो है वो जेरे और है और उस वक्त ऑर्डर की दोषा में जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि हमने फाइनली अपना मुकदमा दर्ज कराना है इस अखबार का या उसकी रोशनी में ऑर्डर की रोशनी में मजीद अपना राय लेकर जोन से आप लोग किसी को नहीं बदल सकते। हम 14 महीने बाद भी खड़े हैं जब पहले खड़े हैं। इस तरह थोड़ी होता है कि आप कहेंगे जी हम जेलों में रख लेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं कल जब अरेस्ट करेंगे तो मुझे पता नहीं था किस केस में हम आराम से भी जा सकते हैं। तुमने बहुत अच्छी पिक्चर्स ली है कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं कल जब अरेस्ट करेंगे तो मुझे पता नहीं था किस केस में। अदालत में पेश करने लगे हैं ये मनादर है इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जनाब कुछ कहेंगे आप? ये देख सकते हैं सनम जवेद अब जोर जबरदस्ती जोन से आप लोग किसी को नहीं बदल सकते। हम 14 महीने बाद भी खड़े हैं जब पहले खड़े हैं। इस तरह थोड़ी होता है कि आप कहेंगे जी हम जेलों में रख लेंगे तो फिर आप जी दूर से बना लें थोड़ा पीछे से हट के बना लें बार बार चोट लग रही थोड़ा सा।